good morning students as you know we have started chapter 1 of class 11th biology we have done some topic that is living organism and their characteristics next we have done diversity in the living bird and nomenclature identification binomial nomenclature their rules its rules then the definition of classification taxonomy systematics ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए थे आपने इसके एक बार रिवीज़न भी करनी है और डेफिनेशन इनकी और इनका जो मेन मटेरियल है वो लर्न भी करना है देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टेक्सनॉमिक कैटेगरीज इसकी इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ी पहले आपको बताई थी सो so, क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं और हिरारकी बनी हुई है पूरे स्टेप्स की जैसे जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं दैट दैट इज़ नोन एज अ हिरारकी ऑफ स्टेप्स दैट आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन। सो जो हम स्टेप्स बने हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है कैटेगरी तो दैट्स वाई द कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट क्योंकि जब हम कोई कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासीफिकेशन के लिए तो उसको नाम हम टेक्सोनोमिकटेगरी भी यूज़ कर दे देते हैं ऑल द कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमीर जितनी भी कैटेगरीज ये जितने भी स्टेप किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में यूज़ हुए टेक्सोनोमी में यूज हुए उन सारी कैटेगरीज को टैक्स वो सारी कैटेगरीज मिलके टेक्सोनोमिकिरार की बनाती हैं देन नेक्स्ट है कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसका अदर नेम रैंक भी है या फिर इसको टैक्सोन भी कहा जाता है टेक्सोनोमी कैटेगरी का एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे इंसेक्ट है इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जैसे ही हम इंसेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ एक किसके करेक्ट कॉमन करेक्टी क्लियर हो जाते हैं कि सभी इंसेक्ट्स में जॉइंटेड लेग्स होंगी देन थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी बॉडीज डिविजिबल इनटू द हेड थॉरक्स एंड एब्डोमेन तो इंसेक्ट के बारे में जब हमने सोचा तो इंसेक्ट एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं और उनके कॉमन कैक्सटेक् हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जैसे ह्यूमन एक ग्रुप है ह्यूमन के बारे में सोचेंगे या ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करेंगे ह्यूमन की कैटेगरी की बात करेंगे तो ह्यूमन के बहुत सारे कॉमन कैक्सटेक हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं सो ईच रैंक ऑफ टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो टैक्सॉन रैंक या कैटेगरी को हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह कह सकते हैं उसके बाद है टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म है ब्लड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी जब हमने सभी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमिक स्टडी की उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमन क्लेचर किया तो उसके बाद हमें पता चला कि हम ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनको उनकी क्लासिफिकेशन करनी है तो हमें कुछ कॉमन कैटेगरीज मिली या कॉमन कैटेगरी साइंटिस्ट ने बनाई वो कैटेगरीज कौन सी थी किंगडम फाइलम और डिविजन क्लास ऑर्डर फैमिली जिनेस एसपी तो जिन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं कि कैटेगरी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो ये छह या सात कैटेगरीज हैं इन्हीं कैटेगरीज में हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इन्हीं कैटेगरीज़ को हम फॉलो करते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स उनकी सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो है स्पीसीज़ तो इन कैटेगरीज को जो यहाँ लिखी हुई हैं किंगडम फाइलम एट्सेट्रा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजड है सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी और सबसे छोटी कौन सी है स्पीसीज तो हम कह सकते हैं बेसिक कैटेगरी कौन सी है स्पीसीज और सबसे हाइस्ट कैटेगरी कौन सी है किंगडम देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी कैसे ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखा जाए जैसे एनिमल को एनिमल किंगडम में कैसा रखा जाए और प्लांट को प्लांट किंगडम में कैसा रखा जाए वो आइडेंटिफिकेशन या वो उनकी पहचान होती है उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मान लो आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म नया आपने डिस्कवर किया नया देखा तो सबसे पहले आप उसके करैक्टर्स देखेंगे कि क्या वो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से अगर एनिमल से मिलते हैं तो किंगडम एनिमल एनिमल किंगडम बन जाएगा अगर प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट किंगडम तो इस तरह उसके करैक्टर्स स्टडी किए जाते हैं और सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी देखी जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ तब जाके उसको उसकी क्लासिफिकेशन में फिट किया जाता है सो वन बाय वन अब अब हम इनको सात जो कैटेगरीज हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो बेसिक कैटेगरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ स्पीसीज सबसे छोटी वाली दैट इज़ अ इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज अ स्पीसी ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जिनमें फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब बेसिक सिमिलैरिटीज हैं सबसे बेसिक जो सिमिलैरिटी होती हैं दैट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल सिमिलैरिटी या सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी जिनमें है जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्पीसीज में रखा जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेड रोज है और एक येलो रोज है दोनों की स्पीसीज क्या रहेगी रोज़ा इंडिका या फिर होमोसेपियंस सेपियंस हम सब ह्यूमन की स्पीसीज क्या है सेपियंस तो जितने भी ह्यूमन मिलेंगे आपको उनके जो बेसिक करैक्टर हैं वो सबके सेम है तो इसलिए उनकी स्पीसीज क्या होगी सेपियंस होगी वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर स्पीसीज और अदर क्लोजर रिलेटिव स्पीसीज ऑन द डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स अब एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है जैसे ह्यूमन को एप से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हम उनके बीच में अपेरेंस में मॉर्फोलॉजिकल होता है अपेरेंस अपेयरेंस में देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है या फिर आपको मैंगो भी प्लांट है रोज भी प्लांट है दोनों की स्पीसीज अलग अलग है आप उनमें देखेंगे कि आपको बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है देखने में उनकी मॉर्फोलॉजी में उनकी अपेयरेंस में उसके बेस पे हम उनकी स्पीशीज को अलग अलग कर दें अगर आपको कोई भी डिफरेंस दिख रहा है एक कोई डिफरेंस भी दिख रहा है तो उनकी स्पीशीज अलग होगी जैसे मैंगीपरा इंडिका सोलिनम ट्यूब्रसम जो पोटैटो है पेंथ्राल्यू तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं ऑल थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो ये इनकी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ड जो महंगी फरासोलोनम और ट्यूबरोसम है ये जेनरिक नेम या जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस जो है वो स्पीसीज से एक अबव स्टेप है या एक अबव कैटेगरी है एक जीनस जो है उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं जैसे पेंथरा लियो ये लॉइन की स्पीसीज़ है इसी तरह पेंथरा की कुछ और स्पीसीज़ हैं जैसे पेंथरा टाइग्रेस वो टाइग्रेस की स्पीसीज़ है तो एक जीना सेम है पैंथरा लेकिन स्पीसीज़ एक जीनस की अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं जैसे पेंथरा लियो पेंथरा टाइग्रस इस तरह से ये जीनस एक बड़ा ग्रुप है और स्पीसीज उससे छोटा है इसलिए जीनस में दो तीन स्पीसीज आ सकती है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा कंटेनर है उसमें आप दो तीन छोटे कंटेनर डाल सकते हैं लेकिन सबसे छोटे कंटेनर में आप कुछ और नहीं डाल सकते और छोटा कंटेनर उससे नहीं बना हुआ है ऐसी स्पीसीज मान लो कि सबसे छोटा ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबसे बेसिक जो करैक्टर है वो बताता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैक्सिमम एक दूसरे से सिमिलर हैं उनकी सेम स्पीसीज़ होगी पैंथरा हैज़ अ नदर स्पीसिक जैसे लिखा हुआ है कि पेंथरा की ही जीनस की एक और स्पीसीज है टाइग्रस जो टाइगर को रिप्रेजेंट करती है और लियो लॉइन को रिप्रेजेंट करती है लेकिन दोनों का जीनस सेम है जैसे सोलोनम पोटैटो का बता रखा है उसकी एक स्पीसीज़ है नाइग्रम और सोलोनम जीनस की एक स्पीसीज है मेलोनोजेना तो इस तरह से एक जीनस की अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं लेकिन ह्यूमन की एक ही स्पीसीज है सेपियंस ह्यूमन की दूसरी और कोई स्पीसीज नहीं है नेक्स्ट है जीनस जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर करेक्टेड इन कंपैरिजन इन इन कंपेयर टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनर ऐसे ऑर्गे ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द दूसरे जीनस जैसे हमने बात की मैंगीफरा और सोलिनम मैंगीफरा मैंगो का जीनस है सोलिनम पोटैटो का जीनस है दोनों के जीनस अलग अलग हैं तो मैंगीफरा जीनस में वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और सोलिनम जीनस से बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसके बहुत सारे करेक्टर कॉमन हैं लेकिन किसी दूसरे जीनस के ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट भी हैं वी कैन ईजली जें जेंड्रा को ईजली हम इस बेस पे डिफ्रेंशिएट या इस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल सबके जीनस अलग अलग हैं सबकी स्पीसीज भी अलग अलग हैं ऑल बिलोंग टू दॉरी सबके जीनस सेम हैं लेकिन सबकी स्पीसीज अलग अलग हैं इन तीनों का जीनस जो है दैट इज़ अ सोलोनम पोटैटो का भी सोलोनम टोमेटो का भी सोलोनम और ब्रिंजल का भी सोलिनम सो दीज आर दोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ कॉमन करैक्टर इनके कुछ एक कॉमन करैक्टर हैं इसलिए इनका जीनस सेम है लेकिन इनका जीनस जो है वो मैंगो से अलग है क्योंकि मैंगो से इनके बहुत सारे करैक्टर अलग हैं है, दोनों प्लांट पोटैटो टोमेटो ब्रिरंजल तीनों प्लांट है मैंगो भी प्लांट है लेकिन इनका जीनस फिर भी अलग अलग है क्योंकि ये तीन जो मैं नाम ले रही हूँ पोटैटो टोमेटो और ब्रिंजल इन तीनों के बहुत सारे करैक्टर एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए सेम जीनस बन गया लेकिन मैंगो से इनके करैक्टर नहीं मिलते है। इसलिए इनका जीनस मैंगो के मैंगो से अलग है उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल की एग्जाम्पल जैसे लॉइन लेप टाइगर्स तीनों का जीनस सेम लेकिन स्पीसीज अलग अलग क्योंकि तीनों के बहुत सारे करैक्टर एक दूसरे से मैच होते हैं और इनके जो करैक्टर हैं वो हम लोगों से डिफरेंस है इसलिए हमारा जीनस होमो और इनका जीनस पैंथरा बन गया तो आपको यह याद रखना है कि कोई भी कैटेगरी सेम कैटेगरी में तभी आएगा वो सेम स्पीसी में तभी आएगा उसकी स्पीसीज तभी सेम होगी या एक होगी जब उसके बहुत सारे करेक्टर मिलते हैं जीनस उसका तभी सेम होगा जब उसके बहुत सारे करैक्टर मिलते हैं अब जीनस और स्पीसीज में क्या डिफरेंस है स्पीसीज़ में वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके नाइन्टी परसेंट करेक्टर सेम होंगे और जीनस में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे सेम जीनस में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके करैक्टर थोड़े कम कॉमन है सिक्सटी परसेंट करेक्टर जिनके कॉमन है ऐसे ऐसे जैसे हम कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे कॉमन करेक्टर कम होते जाएंगे लेकिन फिर भी कॉमन अगर उनमें थोड़े भी कॉमन करेक्टर बचे तब भी उनको सेम कैटेगरी में रख देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो ऑर्डर लॉइन का है वही ऑर्डर कैट का भी है लेकिन दोनों में करेक्टर देखो कि बहुत सारे डिफरेंट है लेकिन कुछ करैक्टर फिर भी कॉमन है जिस सिमिलरली स्पीसीज वो रैंक है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर मैक्सिमम सिमिलर है मैंने नाइन्टी परसेंट बोला इसलिए उनकी स्पीसीज सेम है जीनस में वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक जीनस में जिनके मान लो एटी या सेवेंटी परसेंट करैक्टर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं थर्टी परसेंट उनमें भी डिफरेंस आ गया तो जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे सिमिलैरिटी वाले करैक्टर कम होते जाएंगे और डिसिमिलैरिटी वाले करैक्टर बढ़ते जाएंगे लेकिन फिर भी उनमें सिमिलैरिटी है इसलिए उनको सेम जीनस स्पीसीज या फिर उनको सेम ऑर्डर फैमिली क्लास आगे आप पढ़ेंगे उनमें रखा गया है तो यहाँ हम जीनस की बात कर रहे हैं है, इसमें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके रिलेटेड करेक्टर हैं जिनके सेवेंटी परसेंट करेक्टर मान लो कि मिलते हैं तो पोटैटो टोमेटो और ब्रिंजल का जेनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं। स्पीसीज अलग अलग हैं क्योंकि इनकी जो स्पीसीज़ हैं उनके करैक्टर जो हैं वो कॉमन नहीं हैं सिमिलरली लॉइन लेपड और टाइगर का जीनस सेम है क्योंकि अगर जीनस के कम्पेरिजन जीनस वाले करैक्टर देखे जाएं किसी ऑर्गेनिज्म को अगर जीनस में रखना है तो उसके सेवेंटी परसेंट करैक्टर हम सेम देखेंगे तो सेवेंटी परसेंट करेक्टर सेम है लेकिन नाइन्टी परसेंट इनके करैक्टर सेम नहीं है इसलिए इनकी स्पीसीज भी सेम नहीं है स्पीसीज इनकी अलग अलग हैं देन लिखा हुआ है कि हम इनको लाइन लेपर्ड और टाइगर का जीनस तो सेम है लेकिन जो कैट्स हैं कैट्स का जीनस इनसे अलग है क्योंकि कैट और जब लॉइन लेपर्ड और टाइगर का कंपैरिजन किया गया तो इनके बहुत सारे करैक्टर जो हैं इनके नाइन्टी परसेंट करेक्टर जो हैं है, वो कैसे हुए जीनस के बेस पे जीनस में अगर क्लासीफाई करना हो तो हमें सॉरी सेवेंटी परसेंट करेक्टर कैसे चाहिए सेम चाहिए तो इनके सेवेंटी परसेंट करेक्टर मैच नहीं हुए इसलिए लॉइन लेपर्ड टाइगर और कैट्स को सेम लाइन लेपर टाइगर को एक जीनस और कैट को अलग जीनस में रखा गया उसके बाद आती है फैमिली बात फैमिली की नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज अ फैमिली नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ती बड़ी कैटेगरी की तरफ जाते जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं हम ये सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी थर्ड नंबर पर जो बड़ी है हम उसके उसकी बात कर रहे हैं फैमिली जैसे फैमिली में जो वो ऑर्गेनिज्म वो जीनस जाएंगे जिनके करेक्टर अब कम मैच हो रहे फिफ्टी परसेंट करेक्टर ही उनके जो है वो सेम रह गए हैं एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज में कितने और करेक्टर सेम होते थे 70 इसलिए सेम सेम बन जाता था species में 90 सेम होंगे तो सेम बन जाएगी फैमिली में फिफ्टी या सिक्सटी परसेंट करेक्टर सेम होंगे तो अब सेम फैमिली बन जाएगी तो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही है लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेजम इसलिए उनकी सेम फैमिली बन जाएगी फैमिली को क्लासीफाई करने के लिए या फैमिलीज बनाने के लिए किसी की या फैमिली के किसके बेस पे स्टडी किए जाते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव और रिपोर्डक्टिव फीचर देखा जाता है अगर उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर सेम है तो उनकी सेम फैमिली बना दी जाती है ये प्लांट में क्राइटेरिया है कि अगर कोई प्लांट वेजिटेटिवली और रिप्रोडक्टिवली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या दूसरी तरह, की को तरह के कोई रिप्रोडक्शन सेम तरीके से कर रहा है उसके फीचर सेम है प्रोसेस सेम है तो उनकी सेम फैमिली बन जाएगी प्लांट्स में जैसे एग्जांपल दिया हुआ सोलेनम पिटूनिया पिटूनियातूरा तीनों की फैमिली सेम है क्योंकि इनकी वेजिटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल या एसेक्शुअुअुअुअुअल रिप्रोडक्शन जो बाकी टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से ये तीनों करते हैं इसलिए इनकी फैमिली सेम है तो इनमें करेक्टर कितने हैं जब इन तीनों जीनस को हमने स्टडी किया सोलेनम पिटूनिया और दतूरा तो इनके फिफ्टी परसेंट करेक्टर इन इन जीनस में जो प्लांट्स आते थे उनके फिफ्टी परसेंट करेक्टर सेम थे सोलेनम के भी पिटूनिया के भी और दतूरा के इसलिए इनको सेम फैमिली में रख दिया गया द नेम ऑफ द फैमिली सोलेनेसी आपको एग्जाम्पल बताना चाहिए उसके बाद बात कर रहे हैं दैट इज़ अ नेक्स्ट जीनस है पैंथरा और कैट्स का जीनस है फे फैलिस दोनों के जो जीनस हैं वो अलग अलग हैं लेकिन दोनों की फैमिली सेम है क्योंकि इनके जब फैमिली के बेस पर फैमिली को करैक्टराइज़ करने के लिए जब इनके करैक्टर स्टडी की गई तो फिफ्टी परसेंट करेक्टर इनके कैसे आए सेम इसलिए इनकी फैमिली सेम बन गई फैलिडी देन अगर डॉग और कैट की बात करें तो दोनों की फैमिली अलग है डॉग की कैट फैमिली है कैनिकीडे और कैट की फैमिली है फैलेडी क्यों क्योंकि इनके फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट करेक्टर में सेम नहीं थे इन दोनों के कैट के जीनस के और डॉग के जीनस के या कैट और डॉग के जो करैक्टर स्टडी किए गए वो फिफ्टी या सिक्सटी परसेंट सिमिलैरिटी नहीं थी उल्टा उनमें बहुत सारे डिफरेंस थे कुछ सिमिलैरिटी थी और डिफरेंस ज़्यादा थे इसलिए इनकी सेम फैमिली नहीं बनाएगी लेकिन जब टाइगर लॉइन और कैट की कंपैरिजन किया गया तो इनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा थी और डिफरेंस कम थे सिक्सटी परसेंट सिमिलर थे फोर्टी परसेंट इनमें सिमिलैरिटी थी इसलिए इनकी फैमिली सेम बना दी गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकली नाइन्टी परसेंट करेक्टर सिमिलर हों उनकी सेम स्पीसी जब दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज़म के करैक्टर सेम हो दो स्पीसीज में सेम करैक्टर आ रहे हैं तो मिलके वो जीनस बना देते हैं जब जो दो तीन जीनस के ऑर्गेनिज्म के करैक्टर सेम आ रहे हैं या दो तीन जीनस में एक जैसे करैक्टर देखे गए तो वो दो तीन जीनस मिलकर फैमिली बना देते हैं जब दो तीन फैमिली फैमिली के करैक्टर सेम हैं तो वो ऑर्डर ऑर्डर से फिर नेक्स्ट क्या बन जाता है क्लास तो और क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम तो ये है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डर तो हम कह सकते हैं कि स्पीसी से मिलके जीनस सेम स्पीसी से मिलके जीनस सेम जीनस से मिलके फैमिली सेम फैमिली से मिलके ऑर्डर बना हुआ है हमने स्पीसी जीनस और फैमिली के बारे में पढ़ लिया कि अगर आप किसी की सेम स्पीसीज है तो उसके सिमिलर करैक्टर होंगे सेम जिनर्स है तो सिमिलर करैक्टर होंगे इस तरह से जनरली ऑर्डर और इससे बड़ी जो कैटेगरी हैं दैट आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटिव करैक्टर्स अब जब ऑर्डर या इससे आगे जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे अगर अब अगर हमने किसी की क्लासिफिकेशन किसी का ऑर्डर निकालना है क्लास निकालनी है तो उसमें एक एक करैक्टर नहीं स्टडी किया जाएगा उसमें कुछ ग्रुप ऑफ करैक्टर्स स्टडी किए जाते हैं बेसिक ग्रुप ऑफ करेक्टर पाँच या दस कुछ hmm. करैक्टर्स जो साइंटिस्ट ने मार्क किए हुए हैं कि ये ग्रुप ऑफ़ करैक्टर अगर आपको सेम मिलते हैं तो इनका सेम ऑर्डर कर देना अगर ये ग्रुप ऑफ करैक्टर डिफरेंट मिलते हैं तो इनका सेम ऑर्डर नहीं होगा एक एक करैक्टर उसका स्टडी नहीं करना है अभी तक जो हम पीछे पढ़ रहे थे स्पीसी जीनस और फैमिली में उसमें बेसिक सारे करेक्टर स्टडी किए जाते हैं मॉर्फोलॉजिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिवली उसका लाइफ साइकिल तो उनके बेस पे उसकी सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी निकाली जाती है लेकिन जब किसी का ऑर्डर निकालना है कि इनका ऑर्डर सेम होगा ये दो ऑर्गेनिज्म आपको दे दिए तो ये निकालना है कि इसको किस ऑर्डर में रखें तो हम उसमें कुछ ग्रुप ऑफ करैक्टर पाँच या दस करेक्टर स्टडी करेंगे अगर वो उस पुराने ऑर्गेनिज्म से सेम आ गए तो उसी के ऑर्डर में रख देंगे अगर नहीं आए तो उसका अलग ऑर्डर बना देंगे सो ऑर्डर बिंग अ हाई कैटेगरी इट द सेम्बलेंस ऑफ फैमिली मैंने पहले ही बताया आपको कि जब सेम फैमिलीज हैं किसी भी दो या तीन आ, फैमिली सेम हैं उनके करेक्टर सेम आ रहे हैं फैमिलीज़ के तो वो मिलके एक ऑर्डर बना देते हैं लिखा हुआ है इट इज द सेबलेंस ऑफ फैमिली बिच बिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करैक्टर जब थोड़े बहुत करैक्टर मैंने बताया कि पाँच या दस करैक्टर के अगर बेसिक करैक्टर लेकिन इंपॉर्टेंट करेक्टर जो साइंटिस्ट ने या जो बॉटनिस्ट ने या जोलॉजिस्ट ने मार्क किए हुए हैं कि ये पांच या दस करेक्टर जो स्पेशल करेक्टर हैं अगर आपको सेम मिले किसी भी फैमिली में तो उनको सेम ऑर्डर में आपने रख देना है सिमिलर करेक्टर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन अ फैमिली मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी में जाते जाएंगे नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टर कम होते जाएंगे तो इसलिए ऑर्डर में जो सेम फैमिलीज़ रखी जाएंगी उनके करैक्टर बहुत कम होंगे जो मिल रहे होंगे आप कितने पहुँच गए फोर्टी परसेंट करैक्टर मिल रहे हैं उनके फैमिलीज़ के इसलिए उनको सेम ऑर्डर में रख दिया गया लेकिन क्योंकि 40 परसेंट भी मिल रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो साइंटिस्ट ने मार्क किए हुए हैं इसलिए उनका सेम ऑर्डर में हम रख सकते हैं जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्वो कॉन्वलेसी एंड सोलनेसी इनका सेम ऑर्डर है ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं प्लांट्स की इनका सेम ऑर्डर है पोली मोनी एंड मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरा करेक्टर और किसके बेस पे इनका सेम ऑर्डर बना दिया है? इन फैमिलीज़ का क्योंकि इन दोनों फैमिलीज़ के जो फ्लोरल या फ्लावर के करेक्टर्स हैं वो सेम हैं तो ऑर्डर में इन्होंने एक या दो ही करेक्टर चेक किए कि अगर इन दो फैमिली या तीन फैमिली के इनको फ्लोरल या फ्लावर के करेक्टर सेम मिलते तो ये उसका सेम ऑर्डर बना देते पोलीमोनियल्स क्योंकि दो फैमिलीज़ के यहाँ सेम फ्लोरल करेक्टर मिले इसलिए इनका सेम ऑर्डर बन गया एनिमल की बात करें तो कार्नी इंक्लूड्स इन्क्लूड्स फैमिलीज़ लाइक फैलेडी एंड कैनिकेडी जो कार्नी बोरा ऑर्डर है इसमें पेंथरा या फिर जो टाइगर की फैमिली है फैली जिसमें टाइगर्स भी आती हैं कैट्स भी आते हैं और डॉग्स जिसकी फैमिली है कैनकीडिया तो ये दोनों फैमिली जो है वो कार्निबोरा ऑर्डर में आती है क्योंकि कार्निबोर्डरा में ऑर्डर में इन्होंने क्या देखा मीट खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो मीट खाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कार्नीबोरस एनिमल्स हैं उनको इन्होंने कौन से ऑर्डर में रख दिया कार्निबोरा क्योंकि डॉग भी कार्नीबोरस है अमनिबोरस भी है ये और फैलीडिया कैट्स भी हैं या फिर टाइगर लॉइन वगैरह ये सारे क्योंकि इनका ये करेक्टर सेम आ रहा है कार्नीबोरस वाला इसलिए इनको सेम ऑर्डर में रख दिया गया उसके बाद है क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर जिनके करैक्टर मिल रहे हैं मैच हो रहे हैं कुछ कर बेसिक करैक्टर मैच हो रहे हैं जिन ऑर्डर्स के वो मिलके क्या बनाएंगे क्लास सो ऑर्डर से मिलके सेम ऑर्डर से मिलके क्लास बनेगी और सेम क्लास से मिलके आगे फाइलम बनेगा फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर है प्राइमेटर ये ऑर्डर इसमें मंकी भी आते हैं गोरेला भी आता है और गिवन भी आता है इट इज़ प्लेस्ड इन द क्लास मेमिलिया और मेमिलिया में हम लोग ह्यूमन्स भी आते हैं सो so, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कुछ एक बेसिक करैक्टर मिलते हैं जैसे हम लोगों के मंकी कोरिला गिवन एब्स इनके बहुत सारे करैक्टर जो है वो मैच होते हैं इसलिए इनका ऑर्डर भी कैसा हो गया है सेम हो गया बहुत सारे वो करैक्टर हमने चुनने हैं जो बहुत बेसिक हैं जिनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़रूरी है सेम क्लास या सेम ऑर्डर बनाने के लिए हमारा ऑर्डर अलग है मंकी सॉरी हमारा जो ऑर्डर है दैट इज़ मंकी गोरीला और गिवन इन सबका ऑर्डर जो है और हमारा मंकी गोरीला गिवन हम लोगों का ऑर्डर इन तीन ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर ह्यूमन का ऑर्डर हम सब किस में आते हैं दैट इज़ इन द ऑर्डर प्राइमेटा और हमारी क्लास क्या है मेमिलिया और हमारी ही क्लास में कौन रख दिए गए हैं साथ में टाइगर कैट एंड डॉग जिनका ऑर्डर क्या है प्राइमेटा तो दो ऑर्डर हैं प्राइमेटा और कार्नी इनकी क्लास सेम है कौन सी मेमिलिया क्योंकि जब प्राइमेटा और कार्नीबोरा का कंपेरिज़न किया गया तो कुछ एक बेसिक करेक्टर कुछ एक रिलेटेड करेक्टर सेम मिले इसलिए उनकी क्लास क्या बना दी गई ममीलिया बना दी गई तो ममीलिया सम अदर ऑर्डर आल्सो बट ये दो ऑर्डर जो हैं वो ममीलिया क्लास के इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं क्योंकि इनके करेक्टर कुछ कर, कुछ करैक्टर जो हैं वो रिलेटेड करैक्टर हैं इसलिए इनके क्लास सेम है उसके बाद नेक्स्ट है फाइलम क्लास इज एनिमल्स लाइक फिशिज इंफीवियन रेप्टाइल बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टीट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम अब जब बहुत सारी सेम कुछ एक करैक्टर में सेम क्लासेस मिलती हैं जिन ऐसी क्लासेस जिनके कुछ एक करैक्टर सेम है जैसे फिशीज एम रेप्टाइल बर्ड्स इन सब की क्लास क्या है दैट इज़ अ मैमल्स तो जब ये बहुत सारी क्लासेस जिनके कुछ करैक्टर सेम हैं जब वो एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है फाइलम फाइलम बनाने के लिए जो कॉमन फीचर देखे जाते हैं वो चार या पांच देखे जाते हैं जैसे इन सब की क्लास जो मैंने ऑर्गेनिज्म के नाम बताए इन सब की क्लास मैमल्स हैं क्यों क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड डॉर्सर होलो नर्व सिस्टम द नेक्स्ट है इनका पोस्ट एनल टेल प्रेजेंस ऑफ द गिल स्लिट्स ये चार या पाँच करैक्टर हैं जो इनके सेम हैं इसलिए इनका फाइलम जो है वो सेम है और फाइलम कौन सा है इसका कॉर्डेटा सिमिलरली प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये ऐसे ही देखा गया है कि जिनके कुछ एक करेक्टर मिलते हैं जिन क्लासेस के कुछ एक करेक्टर मिलते हैं उन क्लासेस को मिला के क्या बना दिया गया है हायर कैटेगरी जिसको क्या नाम दिया गया है डिवीजन तो एनिमल्स की जब क्लास कुछ एक क्लासेस सेम है तो उनको मिला के बनाया गया फाइलम और प्लांट्स की जब कुछ एक क्लासेस सेम हैं तो उनको मिलाया गया है डिवीज़न प्लांट के केस में उसको डिवीज़न नाम दिया जाता है ना कि फाइलम तो ये आपने याद रखना है कि एनिमल्स के केस में सेम क्लासेस कंस्टिट्यूट द फाइलम एंड इन प्लांट्स सेम क्लासेस कंस्टिट्यूट द डिवीजन सेम, सेम क्लासेस कैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये, <coughs> एम्फिवन रेप्टल वर्ड्स मैमल्स ये सारी इनकी अलग classes classes comprising मैं, मैं, अलग क्लासेज़ हैं क्लासेज कंप्राइजिंग जैसे ये मै फिशिज़ के अलग क्लास है एम्फिवन के अलग है रंग मैमल कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स इनकी अलग कैटेगरी अब बन जाती है फाइलम और इनका फाइलम कौन सा है सबका कॉडेटा तो क्लासेज़ तो इनकी अलग -लग है, की अलग हैं फिश के अलग क्लास है एम्फिवन के अलग है रेप्टाइल्स के अलग है मैमल्स की मैमल एक अलग क्लास है लेकिन इन सब के कुछ एक बेसिक करेक्टर जो मैंने यहाँ बताए वो सेम है चार या पाँच करेक्टर सेम है इसलिए इनका सेम फाइलम है कॉडेटा उसके बाद नेक्स्ट है किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है ये ऑल एनिमल बिलोंग्स टू डिफरेंट वेरियस फाइलम आर रहा असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल किंगडम एनिमिला इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स सब के सब एनिमल्स जिनके बहुत सारे फाइलम जो फाइलम में, में जो हैं अलग जिनके अलग जिनके फाइलम अलग अलग हैं लेकिन उन सबके कुछ एक करैक्टर सेम है क्योंकि वो एनिमल्स हैं उनमें एनिमल्स करैक्टर हैं तो उनको किंगडम एनिमलिया में रखा गया बहुत सारे प्लांट जिनकी फाइलम अलग है जिनकी क्लास अलग है फैमिली अलग है जीनस अलग है स्पीसीज अलग है लेकिन उनमें बेसिक प्लांट्स के करैक्टर हैं इसलिए उनका किंगडम प्लांट बन गया तो किंगडम में एनिमलिया में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें एनिमल्स के करैक्टर आपको जो बेसिक एनिमल करैक्टर होते हैं वो दिखाई देते हैं तो वो सारे किंगडम एनिमलिया में आ गए और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बेसिक प्लांट के करैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो सारे किंगडम प्लांट्स में तो दो ही किंगडम है सॉरी किंगडम तो फाइव हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांट ऐसे मनीरा किंगडम है फंजाई किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम है तो जो बैक्टीरिया की जैसे ऑर्गेनिज्म है उनको मोनीरा में रख दिया गया है जो यू कैरियोटिक यूनिसेल यू कैरियोटिक है उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है जो फंजाई के जैसे हैं उनको फंजाई किंगडम में रख दिया गया है जो एनिमल्स के जैसे हैं जिनमें कुछ है कैक्टर उनको किंगडम एनिमलिया में रख दिया गया है तो ये सबसे हाइस्ट कैटेगरी है किंगडम एंड किंगडम देन किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लान्ट जिनमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं इसके अलावा टेक्सोनोमई कैटेगरी हमने पढ़ी स्पीसी से लेके किंगडम तक इसका ये ग्राफ भी दिखा रखा है किंगडम से सबसे पहले स्पीसी स्पीसी से बड़ी जीनस जीनस से बड़ी फैमिली फैमिली से बड़ी ऑर्डर ऑर्डर से बड़ी क्लास क्लास से बड़ी फाइलम और डिवीज़न आपको पता होना चाहिए फाइलम कहा जाता है एनिमल्स के केस में डिवीज़न कहा जाता है प्लांट्स के केस में एंड उन फाइलम और डिवीज़न को मिला के बनता है किंगडम हाइस्ट कैटेगरी लेकिन ये जो सात कैटेगरी हैं इनकी कुछ एक सब कैटेगरी भी हैं जो जो ऑर्गेनिज़म जिनके जो फिट नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो जीनस हैं जिनमें और बहुत सारे जीनस आते हैं तो उनके सब जीनस बना दिए ऐसी स्पीसीज जिनकी और बहुत सारी स्पीसीज बन गई हैं या जिनमें और बहुत सारे ऑर्गेनिजम आ गए हैं तो उनकी सब स्पीसी बना दी हैं फैमिली की सब फैमिली ऑर्डर का सब ऑर्डर क्लास का सब क्लास यहाँ तक देन फालम का सब फालम लेकिन किंगडम के सब किंगडम नहीं है किंगडम पाँच ही हैं सो so, इनकी सब कैटेगरीज भी साइंटिस्ट ने बना दी हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको इस कैटेगरी में उनको इन टेक्सोनोमिक कैटेगरी में फिट करने के लिए हमें इनकी जो है वो सब कैटेगरीज बनानी पड़ी जिससे हम ऑर्गेनिज्म जिनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनकी और ज़्यादा डिटेल बता सकें मान लो एक स्पीसीज में दस हज़ार स्पीसीज एक स्पीसीज़ के अंदर दस हज़ार ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की स्पीसीज आ गई हैं तो उनकी हम क्या बना देंगे दस हज़ार सब स्पीसीज बना देंगे तो जिसकी वजह से हम और ज़्यादा डिटेल में पता लगा सकें स्पीसीज़ में तो आपको कुछ एक करैक्टर पता चलेंगे जब आप किसी की सब स्पीसीज स्टडी करोगे तो और ज़्यादा आपको बेसिक करैक्टर पता चलेंगे जैसे जीनस है जीनस में बहुत सारे जीनस हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए तो अब हमने उनके क्या बना दिया सब जीनस है जिससे और ज़्यादा डिटेल हमें सब जीनस के थ्रू हमें मिल जाएगी सो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाते हैं नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग कम होते जाते हैं लोअर द टैक्सा मोर द मेंबर विद इन द टैक्स ऑन सेयर शेयर जितने कम कैटेगरीज होंगी उतने ही मेंबर जो हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के कॉमन करैक्टर शेयर करेंगे हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइंग द रिलेशन टू द अदर एट द सेम लेवल जितनी बड़ी कैटेगरी उतनी ही ज़्यादा हम एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बताने में डिफ़िकल्टी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किंगडम है किंगडम में जो एनिमल्स हैं उनका उस एनिमल का रिलेशन अगर हमने उसकी किसी दूसरे एनिमल की स्पीसीज़ के साथ बताना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल कि किंगडम में एनिमल आया टाइगर और स्पीसीज़ में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की सेपियन स्पीसीज़ की तो अगर टाइगर की कंपैरिज़न हमने ह्यूमन की स्पीसीज़ के साथ करना है तो वो हमें डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि जितना बड़ा और जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतना ही ज़्यादा उनमें क्या होगा डिफरेंस होगा इसलिए क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स है आई होप सो कि आपको ये फाइलम किंगडम और ये डिवीज़न ऑफ डिवीज़न का जो ये सारा ग्राफ है ये आपको समझ आया होगा उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज करनी है एक टॉपिक आपको और है मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड क्लासिकल टेक्सोनॉमी मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो आजकल हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सेवन कैटेगरीज़ का इसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है और क्लासिकल जो पुराने टाइम में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम बेसिक करैक्टर के अगर कोई एनिमल की तरह दिखता है तो उसको एनिमल में रख दो अगर प्लांट्स की तरह दिखता है तो प्लांट्स के लेकिन ऐसा नहीं है उसके करैक्टर स्टडी करने पड़ते हैं देख के हम किसी को डिफ्रिशिएट नहीं कर सकते इससे क्या हुआ जब थियोफेट्रस याटोटल ने क्लासिफिकेशन की फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जोलॉजी जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया था तो इन्होंने ऐसे ही किया बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स में आते थे उनको एनिमल्स में रख दिया जो एनिमल्स के जैसे थे उनको प्लांट्स में रख दिया बैक्टीरिया को उन्होंने प्लांट में रख दिया और फंजाई को उन्होंने एनिमल्स में रख दिया लेकिन ये दोनों ही अलग किंगडम हैं वायरस को कोई जगह नहीं दी उन्होंने तो इस तरह से उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी और क्लासिकल टेक्सोनॉमी है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ढंग से क्लासीफाई नहीं किया गया था लेकिन मॉडर्न टेक्सनॉमी में बहुत सारी वो कमियाँ पूरी कर ली गई हैं तो आपने एक टॉपिक तैयार करना है कि मॉडर्न और क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या है और जो टे टेक्सोनॉमी है उसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है यहाँ एक ग्राफ दे रखा है इसमें जितने भी चार या पांच ऑर्गेनिज्म है इनके बारे को नेम जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास और फाइलमो डिविजन आपने याद करना है पेपर में कई बार वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स इनके बारे में थोड़ा आपने पढ़ना है और जो आज बताया है उसको अच्छे से नोट्स बना के उसको लर्न भी करना है थैंक यू दिस इज़ ऑल फॉर यू हैव अ गुड डे